नमकीन। अस्सलाम वालेकुम। आज इस मस्जिद दीवान में मुझे जिस मौजू पर इस गुफ्तगू का मौका मिला है वो अपनी नौयत के लिहाज से नहायत अहम भी है और मतीन भी, बुलंद भी है और वसी भी। मगर जहाँ तंगी वक्त का तकाजा ये है कि मैं इस अहम मौजू के अहम नुकात पर बात करने पर इत्तेफाक करूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी से होगी न मेरे गम की तर्जुमानी, मुझे और जिंदगी दे के दास्तां अधूरी। मेरी याद की तकरीर का उन्वान है इस्लाम की सदगर्दी नहीं अमन चाहता है। इब्तदाई नौयत का सवाल यह है इस्लाम क्या है? ऐसा है हमने मुसलमान होकर भी इस्लाम के लफ्ज इस्लाम के जाहिरी और बातनी मायनों पर गौर नहीं किया। हाय हम कैसे कर फैन है कि इस्लाम की लफ्जी मायनी है बर्तन झुकाना, ताब करना, सलामती जाना, सुकून खातिर जाना। और इस्लाम इस्लाम वो दीन है इसके मानने वाले एक अल्लाह को वादा उला शरीक मानते हैं और उसके कलमे के हर जुज के पाबंद और वफादार होते हैं। हज़रीन बाद तमकीन, इस्लाम वो सच्चा दीन है जो हज़रत आदम से शुरू होता है और मोहम्मद अरबी उसके आखिरी रसूल हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबिय्या बादी वला उम्मत बादकुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वकार तमाम इंसान हजरत आदम की औलाद है और इस अमर से ना कोई जिंदगी की इनकार करता है, ना ही कोई दहरिया और ना ही कोई नहजी इनकार करता है। दीन इस्लाम एक फितरत है और फितरत से हटकर जो भी काम होगा वो सरियन गलत होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वकार और दीन इस्लाम को कोई भी रुका लेते कलमा तैयबा, नमाज, रोजा, जकात, हज। और मुझे बताएं इनमें से किस में तशद्दुद है? जी हाँ, मैं इस बात की नफी करता हूँ कि इस्लाम में तशद्दुद है। तशद्दुद क्या है? फारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी खौफ और रास फैलाना यानी अपने मतलूबा मज़मूम और नाजायज़ मकासिद के हुसूल के लिए रानी धमकाने का शरई काम करना। क्योंकि जनाब सदर जायज काम के लिए किसी को डराने धमकाने की जरूरत ही क्या? दीन इस्लाम एक मजहब भी नहीं बल्कि एक दीन भी है। मजहब और दीन का फर्क समझाना आप इस मस्जिद की वान में छोटा मुंह और बड़ी बात होगा, या यूं समझे सूरत को जरा दिखाना। मजहब इबादत का मजमू है जबकि दीन एक मुकम्मल जिंदगी का दस्तूर होता है। इस्लाम सवाल है दहशतगर्दी की, इस्लाम तोड़ने का नहीं जोड़ने का दीन है। फरमान कुरान है वतासिम बिअम्रिल्लाह जमीअन वला तफर्रुकु। जी हाँ, इस्लाम में टुकड़े टुकड़े होने से मना फरमाया। कुरान का मुखातिब सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसान भी है। और जब कोई इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह कह देता है तो वह दायरे में दाखिल होता है जो कि दहशतगर्दी की जिद है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जगह नहीं, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, यानी तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और हमारे लिए हमारा दीन। आप पूरा कुरान पढ़े अलिफ लाम मीम से लेकर पर नस तक पढ़े, कुरान दहशतगर्दी की नफी करता है। गौर फरमाइए जिस दिन ताइफ में कुल अकदस से नारायण मुबारक भर गए तो उनके लिए बद्दुआ तक नहीं की बल्कि दुआ फरमाई ऐ अल्लाह ताइफ वालों को समझ अता फरमा, ये मुझे नहीं पहचानते। वो हिंदा जिसने आपके चचा का कलेजा चबाया आप उसकी बख्शिश का वादा करते, दिखाओ मुझे तारीख में कोई भी एक ऐसी मिसाल, अगर है तो मेरा खुला दावा है पेश करो, क्योंकि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं अमन चाहता है। जी हाँ जाने वाला, हम उस रिश्वत से दूर हो गए, हमने खुद को टुकड़े टुकड़े कर लिया। तू शिया है, मैं सुन्नी हूँ, तू मुकल्लिद है, मैं गैर मुकल्लिद हूँ। लेकिन तेरी मस्जिद अलग, मेरी मस्जिद अलग। अरे तेरा दुश्मन ये नहीं सुनता किस व्यक्ति और किस मसलक से है, वो तुझे सिर्फ और सिर्फ मुसलमान समझकर इस तरह रूद करना चाहता है। अरे साहिबो खुदा रा होश दिला घूम लो, इस्लाम की सही तालीमात दुनिया तक पहुँचाओ। शायर मशरक की तालीमात भी यही है, फिरकाबंदी या कहीं तो कहीं जाते हैं, क्या जमाने पर अपने कि यही बातें हैं। कोई दीन भी बैर नहीं सिखाता और दीन इस्लाम तो बिल्कुल ही नहीं सिखाता। आओ किताबुल्लाह की सही तफहीम करें और उस पर कारवां होकर दुनिया को बता दें कि हम दहशतगर्दी फैलाने नहीं रोकने आए हैं, हम सशक्ति इंसानियत को सुलम के पन्नों से छुड़ाने आए हैं। गौर कीजिए हुजूर सल्लम की आमद से पहले का नक्शा, कभी घोड़ा आगे दौड़ाने पे झगड़ा, कभी पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, फिर क्या हुआ एक नूरानी पैगंबर आए, उतर कर हीरा से सूरे कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। मेरे भाइयों और खुदा के बाबाकार इस नुस्खा कीमिया को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक तमाम अमराज का इलाज और तमाम मसाइल का हल बताया है। कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनो, यही हल है हमारे तमाम मसाइल का। आए और दस बार दुआ हो जाए कि अल्लाह हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा गुलाम बना दे। खुदा की कसम इस्लाम की दहशतगर्दी का नहीं अमर का दाई है, इस्लाम की तालीमात का मामा रह गए। या अल्लाह हम पर रहम फरमा, इस्लाम ने जो बैठ
Sí, no me gusta.